हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ रेस्ती के बारे में। सबसे पहले रेस्ती के जो प्रोड्यूसर है रमेश तोरा ने एक बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की है अपने ट्विटर पर, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वी थैंक द चीफ मिनिस्टर मैडम महबूबा मुफ्ती फॉर वेलकमिंग अस इन कश्मीर फॉर द फाइनल लैप ऑफ रेस्ती विद बिंग सलमान खान। यानी कि रेस्ती की शूटिंग के लिए जो आखिरी चरण की जो शूटिंग बाकी है उसके लिए सलमान खान श्रीनगर पहुंचे, और उसके बाद श्रीनगर पहुंचने के बाद आई थिंक शूटिंग के दौरान या शूटिंग के बाद उन्होंने जाकर मुलाकात की कश्मीर के चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से। और यहाँ पे रमेश तोरानी राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में सलमान खान एक बहुत बढ़िया कश्मीरी स्कार्फ पहने हैं, और यहाँ पे उनके बॉडीगार्ड शेरा है जो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। और राइट साइड में आई थिंक एकदम कोने में आई एम नॉट श्योर कौन है, बट स्टिल एक बहुत बढ़िया फोटो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ। और सलमान खान दबंग अवतार में हमेशा रेडी रहते हैं। और कहीं ना कहीं चलिए आपको कुछ डिटेल बताने की बात करते हैं। सलमान खान फिलहाल आई थिंक उन्हें 10 अलग अलग गाड़ी अलग अलग मतलब जो उस तरह की जो सोनमर्ग जैसे इलाके हैं वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक संरक्षण वाला इलाका है, क्योंकि वहाँ का जो ग्लेशियर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पिघल रहा था, तो उस जगह को कवर करके रखा है, और इसीलिए बहुत ही स्ट्रिक्ट वहाँ पर मनाई है किसी को जाने की। लेकिन हाँ, कश्मीर गवर्नमेंट ने वहाँ पर जाने को अलाउ किया है सलमान खान को, उनकी टीम को, ताकि वो शूट कर सके 2 दिन के जो कश्मीर शेड्यूल चालू है उसके हिसाब से। और कहीं ना कहीं डिनर के दौरान कल कई सारे लोगों ने फैंस ने सलमान खान से आके मुलाकात की, और सलमान खान ने भी उनसे उनके साथ तस्वीर खिंचाई। आपको बता दूँ वो जो फैंस थे वो बजरंगी भाईजान के दौरान से सलमान खान को जानते थे, क्योंकि बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग सोनमर्ग में ही उन पहाड़ों के बीच में हुई थी जहाँ पर इस फिल्म की फिलहाल शूटिंग हो रही है रेस्ती की। इसके बाद लेह लद्दाख में जाके ये शूट फाइनल कंप्लीट होगा। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, और कितने एक्साइटेड आप इस फिल्म के लिए जरूर बता सकते हैं। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।